नन्ही जलपरी आर्या की कहानी। एक समय की बात है, बहुत गहरे समुद्र में एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। डॉल्फिन्स गाती, जेलीफिश नाचती, नन्ही रंग बिरंगी मछलियां तैरती और बहुत गहरे पानियों में पानी के नीचे एक प्रसिद्ध राज्य था। इस राज्य के समुद्री लोग पानी के नीचे रहने वाले बाकी सभी जीवों के साथ शांतिपूर्वक रहते थे। इस राज्य के राजा का नाम था पोसाइडन। उसे अपनी बेटियों से इतना प्यार था कि वो उन्हें हमेशा अपने राज्य में ही रखता। आर्या सबसे छोटी थी, उसे समझ नहीं आता था कि क्यों वो उसे कभी कहीं नहीं जाने देते। राजा ने उसे बताया कि राज्य की सीमा के बाहर खतरा है। आर्या ने सोचा कि ऐसा कहने से उनका मतलब अवश्य ही धरती पर रहने वाले मनुष्यों और जीवों से होगा। आर्या, तुम एक दिन अवश्य ही अपना ताज पहनने जितनी बड़ी हो जाओगी, किंतु तब तक तुम्हें इसी राज्य में रहना है। यहाँ तुम सुरक्षित हो। पर मैं धरती पर रहने वाले लोगों और जानवरों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। धरती के लोगों के मन में समुद्री जीवों के लिए कोई इज्जत नहीं है। वे हमारे समुद्र में कचरा फेंकते हैं और हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अपने पिता पर यकीन करना चाहिए। नन्ही जलपरी आर्या ने सुना, परंतु जितना ज्यादा उसने अपनी दादी की कही बात को सोचा, उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती गई। मैं बस अपने बड़े होने का इंतजार नहीं कर सकती। धरती पर रहने वाले लोग भी उतने ही दयालु होंगे जितने की हम। और नन्ही आर्या ने पानी के नीचे के राज्य से चुपके से बाहर निकलने की एक योजना सोची। वो अपने दोस्तों के बारे में सोचने लगी। बड़ी वेल विली और नन्ही डॉल्फिन डॉल्फी, क्योंकि वो पानी के नीचे के राज्य से निकलकर जब चाहे कहीं भी जा सकती थी। पानी के नीचे के राज्य के द्वार पर तलवारधारी रक्षक मछलियां डॉल्फिन डॉल्फी और वेल विली को समुद्र में बाहर ले जाने के लिए अलग ले गई। वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने के लिए आजाद थी। परंतु एक बार ओझल होने के बाद वेल विली ने जब अपना मुंह बड़ा खोला, तो बाहर आया उनका शूरवीर नन्ही जलपरी आर्या। और बस इस तरह आर्या अपने दम पर बाहर थी और अच्छे से तैरते हुए ठीक पानी की सतह के ऊपर। अपने जीवन में पहली बार उसने हवा को महसूस किया, सूर्यास्त को देखा और सीगल्स को सुना। ये कमाल का एहसास है। पानी के पार से आते संगीत को सुना। उसने पानी में डुबकी लगाई और आवाज की दिशा में तैरने लगी। तभी उसे एक बड़ी सी नौका दिखाई दी जिस पर आतिशबाजी हो रही थी। देखो नौका, चलो डॉल्फी, उसे पास से चलकर देखते हैं। आर्या रुको, ये खतरनाक हो सकती है। उसके दोस्त डॉल्फी ने उसे चेतावनी दी, परंतु आर्या ने ध्यान नहीं दिया। आर्या रुक जाओ। वो नौका के बगल में ही तैरने लगी, जहाँ से वो धरती के राजा और उसके बेटे राजकुमार एडवर्ड को देख सकती थी। वे राजकुमार का जन्मदिन मना रहे थे। एक राजकुमार। आर्या हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, वो सिपाही खतरनाक हो सकते हैं। हमें अब घर वापस चलना चाहिए, वो हमें देख सकते हैं। राजकुमार ने जहाज के धनुष पर अपनी बांसुरी बजानी शुरू कर दी। वो किसी बुरे व्यक्ति की तरह आवाज नहीं करता है। आर्या अपनी सुंदर आवाज में उसकी बांसुरी की धुन के साथ साथ गाने लगी। राजकुमार ने उसकी आवाज सुनी और हैरान होकर चारों तरफ देखा। ये इतनी सुंदर आवाज किसकी है? सावधान रहो आर्या, वो तुम्हें ढूंढने जा रहे हैं। दूर बहुत दूर राजा पोसाइडन की दुष्ट बहन समुद्री चुड़ैल वेगा राजा पोसाइडन के महल में रहती थी, किंतु बुरे काम करने के कारण पानी के नीचे के सुंदर राज्य से उसे भगा दिया गया था। आखिरकार वो दिन आ गया है
राजा पोसाइडन की बेटी और एक इंसान। मैंने कहा बिजली तूफान और गर्जना के साथ भेजो, लहरों को भेजो नौका को पलटने के लिए ताकि राजकुमार डूब जाए। समुद्री चुड़ैल के जादू के कारण लहरों ने राजकुमार की नौका को तोड़ना शुरू कर दिया। नहीं, नौका डूब रही है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आर्या ने समुद्र की सतह तक डूबते जहाज के मलबे में से होकर तैरते हुए लहरों में डुबकी लगाई। उसे राजकुमार की बांसुरी दिखाई दी, उसने इसे झपट लिया। फिर उसने रेतीले समुद्री फर्श में राजकुमार को डूबते देखा। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जमीन की तरफ जितना तेज वो तैर सकती थी तैरने लगी। उठो, भगवान के लिए उठो। राजकुमार ने धीरे से आंखें खोली और खुद को जिंदा देखकर हैरान रह गया। तुम जिंदा हो? वो अपने पास में बैठी एक सुंदर लाल सिर वाली जलपरी को देखकर हैरान था। आर्या ने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना तो उसे एहसास हुआ कि वो धरती पर है। वो झट से वापस समुद्र में कूद गई। राजा और उसके सिपाही और एक नवयुवती राजकुमार को किनारे पर मिल जाने की उम्मीद लिए खोज रहे थे। पिताजी, एक युवती ने मुझे बचाया, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसकी आवाज पहले सुनी है। इसी दौरान इधर समुद्र में आर्या पानी के नीचे के राज्य में लौट चुकी थी। राजकुमार की बांसुरी अभी भी उसके पास ही थी। वो अभी भी खुद को ये सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि वो कितना सुंदर था। उसके पिता उसे ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने बांसुरी देखी तो वो समझ गए कि वो समुद्र की सतह पर जाकर आई है। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी आर्या, लेकिन तुमने उसे अनसुना किया और राज्य के सुरक्षा घेरे से बाहर गई। तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। किंतु राजकुमार डूब जाता। क्या? राजकुमार? तुम राज्य की सुरक्षा को छोड़कर गई हो आर्या। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था ताकि मैं तुम्हें खतरे से बचा सकूं। मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति कभी नहीं देता। राजा पोसाइडन चले गए। उन्हें फिक्र हो रही थी अपनी बेटी के दिल के बारे में। किंतु आर्या वापस आकर फिर से राजकुमार को देखने के अपने फैसले पर अडिग थी और इसीलिए उसने एक भयानक भूल कर दी और समुद्र के अंधेरे हिस्से में दुष्ट चुड़ैल वेगा को तलाश करने के लिए उसने अपने पिता के राज्य को फिर से छोड़ दिया। वेगा का दो सिर वाला रक्षक सांप चुड़ैल के समुद्री महल पर मुस्तैदी से तैनात था और उसने नन्ही जलपरी को आते हुए देखा। वेगास, राजा की बेटी आ रही है। राजा से बदला लेने का समय आ गया है। मुझे पता था ये होगा। उसका दिल जंगली विद्रोही है, उसे आने दो सांप। आर्या थोड़ा डर गई, परंतु राजकुमार को देखना चाहती थी इसलिए वो चुड़ैल से मदद मांगने के लिए अंदर गई। वेगा मदद के लिए तैयार हो गई, परंतु उसने नन्ही जलपरी से कुछ बेश कीमती मांगा। मैं तुम्हें मनुष्य बनाने के लिए एक जादुई औषधि तैयार कर दूंगी। तुम धरती पर चल सकोगी, अपने अनमोल राजकुमार के साथ नाच सकोगी, किंतु बदले में मैं तुम्हारी सुंदर आवाज ले लूंगी। मेरी आवाज? मेरा मतलब, पर बिना मेरी आवाज के? जलपरी ने बुरी भावना वाली उस औषधि को स्वीकार कर लिया क्योंकि वो मूर्ख थी और उसका दिल राजकुमार के प्यार में पड़ना चाहता था। पर याद रखना, जादुई औषधि का प्रभाव 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर इस दौरान राजकुमार तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा तो तुम वापस जलपरी में बदल जाओगी और फिर कभी भी अपने राजकुमार या पिता को याद नहीं रख पाओगी। आर्या इतनी मूर्ख थी कि उसने जादुई औषधि पी ली। फिर उसने समुद्र की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया और जैसे ही वो धरती के नजदीक पहुंचने लगी, उसकी पूंछ गायब होने लगी, बल्कि अब उसकी जगह उसकी मानवीय टांगें थी। उसकी दोस्त डॉल्फी ने उसे देखा तो तुरंत सहायता के लिए आई। आर्या, तुम्हारी टांगें तो कभी नहीं थी, तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है। नन्ही जलपरी आर्या
डॉल्फी की मदद से किसी तरह किनारे तक पहुंची। राजकुमार एडवर्ड वहां पहले से ही था, उस लड़की की तलाश में जिसने उसकी जान बचाई थी। तुम जानी पहचानी लगती हो, क्या हम पहले एक दूसरे से मिले हैं? आर्या के पास आवाज नहीं थी, इसलिए उसने सिर्फ गर्दन हिला दी और राजकुमार को बांसुरी वापस कर दी। हाँ, हाँ हम मिले हैं। तुम अवश्य ही वही लड़की हो जिसने मुझे डूबने से बचाया था, और मैंने वो आवाज सुनी थी जब मैं डेक पर बांसुरी बजा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? आर्या ने बताने का प्रयत्न किया। ओ, तुम बोल नहीं सकती? पर वो बोल नहीं सकती थी, इसलिए राजकुमार ने सोचा कि वो अवश्य ही कोई और लड़की होगी, क्योंकि उसे जो लड़की याद थी उसकी तो बहुत ही खूबसूरत आवाज थी। फिर भी वो इस बेकरार लड़की की मदद करना चाहता था। वो उसे अपने महल ले गया। धरती के राज्य के महल में राजकुमार का पिता एक अन्य युवती के साथ अपने पुत्र के विवाह की तैयारियां कर रहा था। आर्या ने दूर से देखा और उदास हो गई कि वो राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती। दिन बीते पर वो राजकुमार से बात नहीं कर पाई। आर्या जानती थी कि औषधि का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा और वो जल्द ही अपनी सारी यादें खो देगी। आर्या सोचने लगी कि अपनी आवाज के बिना उसके लिए राजकुमार को अपने प्यार में पा पाना असंभव है। और फिर तीसरा दिन आ पहुंचा। आर्या बहुत उदास थी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसकी जलपरी बहनें समुद्र से बाहर आईं और फिर उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम तुम्हें बचाने और चुड़ैल का काला जादू तोड़ने आए हैं। तभी लहरें एक विशाल फुहार बनकर उठी और आर्या के पिता राजा पोसाइडन पानी से बाहर आए। आर्या, मेरी प्यारी बेटी, तुम उसी खतरे में चली गई जिससे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, परंतु मैंने तुम्हारी आवाज बचा ली है। मैंने चुड़ैल का जादू तोड़ दिया है, अब तुम अपनी आवाज पा सकोगी और तुम हमें हमेशा याद रखोगी। समुद्र के राजा ने दादी के हाथ में अपने त्रिशूल को इशारा किया और जादू टूट गया। आर्या को उसकी आवाज वापस मिल गई। मेरी आवाज, धन्यवाद मेरे प्यारे परिवार, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। आह, नहीं! वेल विली ने नन्ही जलपरी को राजकुमार की नाव की ओर भगाया। राजकुमार और एक अन्य देश की राजकुमारी विवाह करने ही वाले थे कि तभी अचानक राजकुमार ने कुछ सुना और वो रुक गया। एक बार फिर से ये आर्या की सुंदर आवाज थी। आर्या को व्हील पर देखकर राजकुमार एडवर्ड उससे बात करने के लिए पानी में कूदा। ये तुम थी, मैं जानता था तुम ही वो लड़की हो जिसने मेरी जान बचाई। मेरा नाम आर्या है। और इस तरह राजकुमार एडवर्ड ने अपनी शादी रद्द कर दी और समुद्र के राजा पोसाइडन के साथ शांति कायम कर ली। आर्या ऐसी पहली जलपरी थी जिसने धरती पर एक मनुष्य बनकर जीना सीखा और समुद्र में एक जलपरी के रूप में, और आगे चलकर वो तथा राजकुमार एडवर्ड दोस्त बन गए और शादी कर ली और हमेशा खुशी से रहने लगे।